सात राज्यों से चार राज्यों में भाजपा की शानदार जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। पांच में से चार राज्यों में भाजपा की शानदार जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में जोश नजर आया। भिलाई 3 के राम मंदिर स्थित चौक में जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर चरोदा निगम की पूर्व महापौर चंद्रकांता मांडले और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शीर्ष अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुनः योगी का आना प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जीत है। मोदी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों का विश्वास ही है कि आज भाजपा ने पांच राज्यों से चार राज्यों में विजय का पताका लहरा पाई है। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की इस जीत को यादगार जीत बनाने के लिए पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी और जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। देश भर के पांच राज्यों में चुनाव जो परिणाम आया है, इन चुनाव परिणामों में चार राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है, पूरे भारत की आम जनता को और पूरी दुनिया में जो भारत के निवासरत लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। यह जीत भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली जीत है। ये हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अभिनंदन करते हैं और उत्तर प्रदेश के आम सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में जिन्होंने मेहनत की, अपना योगदान दिया, उन सभी कार्यकर्ताओं का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तराखंड की जनता, मणिपुर की जनता और गोवा की जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर वहाँ पर लोकप्रिय सरकार का गठन किया है, हम ऐसे वहाँ के निवासरत आम जनता को, बहनों को, भाइयों को खूब छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी आह्वान करता हूं आज इस ऐतिहासिक जीत के पश्चात कि छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की श्रृंखला छत्तीसगढ़ से भी इस बेशर्म सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, भूपेश सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है। मैं निश्चित रूप से पूरे विश्व को आज यहाँ से आह्वान करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनेगा और छत्तीसगढ़ की, हमारे कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत आज नहीं कल, कल नहीं परसों भारत विश्वगुरु का निर्माण होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। भारत माता की जय। आज चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत किया है और इस जीत पे मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगी, मोदी जी को बधाई दूंगी। और आज जो जीत हुई है चार राज्यों में, ऐतिहासिक जीत हुई है, जनता की जीत हुई है और विकास की जीत हुई है। जो यूपी में भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी जो चल रहा था उसको मोदी जी ने, योगी जी ने जो समाप्त किया, आज इसी के कारण जनता ने उसे चुना है और आने वाले चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम हमारे और तीन चार राज्यों में होने वाला है जिसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें भी हम भारी बहुमत से हम यहाँ सरकार बनाएंगे और ये दमनकारी सरकार को, भूपेश सरकार को यहाँ से हटाएंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।